हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में वड़गांव बुद्रुक एरिया में सुहाग यूनिवर्स नाम के एक पॉपुलर बैटरी की दुकान में, और उसके ओनर है मिस्टर सुहाग रेवाले सर। तो दोस्तों, आज हम सर से बैटरी के बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिजनेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद इस। सर। हाँ जी सर, हमारे कुछ व्यूअर्स बैटरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिजनेस के बारे में। यस सर, डेफिनेटली। सर, थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे, आप कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? मैं ये बिज़नेस अभी 3 साल से इस लाइन में हूँ। अच्छा अभी पहले मैंने खुद उसका जानकारी ली पूरी, अच्छा मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स में, ये सब सीखा पहले, फिर बाद में खुद का शुरू किया मैंने खुद का शुरू बिज़नेस। किया। सर, जैसे आप कर रहे थे ये बिज़नेस कर रहे हैं, वैसे हमारे देश के और भी लड़के ये बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सर, अगर ये बिज़नेस करना है तो शुरू में क्या क्या लाइसेंसेस वगैरह लगते हैं? लाइसेंसेस तो पहले शॉपेक लाइसेंस लगता है, जीएसटी नंबर जरूर हाँ, रहता है, तो ये जरूर। दो ही, शॉपेक लाइसेंस और जीएसटी नंबर। और सर, अगर जैसा कोई नया बैटरी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सर लगभग कितना बड़ा दुकान होना चाहिए, कम से कम, अगर ये बिज़नेस? दुकान एक तो 150 स्क्वायर फीट के आगे चाहिए, हाँ, मतलब क्या रहता है, अभी हम सेल के लिए बैटरी भी रखते हैं और वो जो बायबैक करके भी लेते हैं बैटरी, मतलब स्क्रैप का माल, वो भी रखने के लिए जगह रखना चाहिए। और बराबर हम लोग अभी चार्जिंग करते हैं बैटरी, वो भी अलग से डिपार्टमेंट रहता है, तो बराबर इसके लिए थोड़ी एक 150 स्क्वायर फीट के आगे जगह चाहिए, रख डेढ़ सकते सौ हैं, दो सौ स्क्वायर डेढ़ फुट सौ। सर, जैसे देखा जाए तो बैटरी में हम देखते हैं अलग अलग बैटरीज होती है, तो अगर कोई ये बिजनेस करता है तो उसमें क्या क्या वैरायटी रख, कौन सी बैटरियों की वैरायटी रखनी पड़ती है? बैटरी, मतलब सर 2 व्हीलर की बैटरी रहती है हाँ, और उसमें 4 व्हीलर की बैटरी रहती है। फोर व्हीलर अभी इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर अभी ज़रूरी है इन फ्यूचर, अभी लाइट का जो ज़माना है तो बराबर। उसका आगे का जो इन फ्यूचर लगने वाला है, अपने को आदत पड़ चुकी है हम लोगों को, कॉल सेंटर रहते हैं या फिर घर में वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो इसके लिए इन्वर्टर ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वर्टर की बैटरी जो रहती है वो, और वो जो कंप्यूटर यूपीएस रहता है उसकी भी बराबर, छोटी बैटरी रहती है, इलेक्ट्रिक बाइक रहती है हाँ उनकी बैटरीज रहती है अपने यहाँ। बराबर। तो ये एक दुकान अगर शुरू करते हैं तो ये सभी टाइप की बैटरीज हम उसमें ये रख सकते सभी हैं। टाइप की बैटरी रख सकते हैं। सर, बैटरी के दुकान में जैसे ये बैटरियाँ वगैरह आती है, तो इसके जैसे ये माल डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह कहाँ पे होते हैं, कहाँ से ये माल आता है? डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने रखे हुए रहते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास से हम लोग ले सकते हैं, या फिर कंपनी को अगर आपने कॉल किया तो कंपनी भी आपके आसपास जो भी नज़दीक रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है मटेरियल। एक साइड के अलग है, एमरॉन के अलग है, बराबर, ल्यूमिनस के अलग, और कंपनी बैटरीज की तो बहुत ही कंपनी है। बहुत कम। सर, अभी जैसे आपने कहा कंपनियों के बारे में, जैसे बैटरी में कई सारी कंपनियां हैं, तो क्या सर कस्टमर की ऐसी डिमांड होती है कि सिर्फ ब्रांडेड चाहिए, जैसे एक्साइड हो गई या एमेरॉन हो गई, या नॉन ब्रांडेड बैटरियां भी अच्छी होती है? इसमें क्या है, अभी हम लोग जो मार्केट में देखते हैं कि ब्रांड की वैल्यू थोड़ी लोग ज़्यादा खींचते रहते हैं, क्योंकि ब्रांड ने उतना नाम कमा चुका रहता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं लोकल ब्रांड हूँ तो मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो कुछ गलत चीज़ तो मैं बाजार में नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे को बराबर भी काम नाम करना है। हाँ, बराबर, तो यही फर्क कुछ नहीं रहता, माल में मटेरियल में थोड़ा बहुत एक 19-20 रहता है, ज़्यादातर रहता नहीं, लेकिन लोगों की सोच क्या रहती है कि मेरे को ब्रांडेड चाहिए। हाँ। तो जैसे ये छोटे ब्रांड्स है जैसे, तो इनको भी वारंटी, और जैसे हम देखते हैं एक्सेल में 5-5 साल की वारंटी होती है, तो इनमें भी वैसी इनमें वारंटी? भी वैसे ही सर्विस, मतलब क्वालिटी है उसमें, सब सेम रहता है, सिर्फ फर्क ब्रांड का ही रहता है कीमत में। सर, अगर कोई नया बैटरी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जैसा अभी आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो सर इसमें कौन से ब्रांड की बैटरी रखनी चाहिए, एक्साइड की रखनी चाहिए या? अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको एक ब्रांडेड ब्रांड का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बराबर। मतलब आप कोई भी लोकल लोग हैं और कस्टमर को बोल नहीं सकते कि ये ले लो, क्योंकि आप भी इस लाइन में नए हो बराबर तो आपके ऊपर कस्टमर उतना ट्रस्ट नहीं करेगा। बराबर लेकिन एक्साइड कंपनी रहेगी, एमरॉन कंपनी रहेगी, ये भारत में टॉप ब्रांड है, बराबर ल्यूमिनस कंपनी, ये अगर आप प्रोडक्ट रख लिया तो कस्टमर आएगा आपके आपके ऊपर, आपके पास से लेके जाएगा। लेके जाएगा। अगर 1 साल आप इस धंधे में हो, ये बेच रहे हो, उसके बाद आप लोकल भी रख लिया तो फिर आप कस्टमर को ये अपने भरोसे दे सकते हैं 1 साल बाद, 1 साल बाद। हाँ, लेकिन पहले तो आपको ब्रांड के ऊपर ही आपका नाम ना बनता है, बराबर बराबर। तो शुरू में ब्रांडेड ही रखना ब्रांडेड ही चाहिए। रखना चाहिए। और सर, बैटरी का दुकान अगर कोई नया शुरू करना चाहता है तो एक अच्छा लोकेशन कौन सा होगा उसके लिए? लोकेशन क्राउड के हिसाब से, मतलब जहाँ पे
गाड़ियाँ वगैरह चलती ज़्यादा है, जाते आते वक्त आपको दिखना चाहिए, तो उसके हिसाब से थोड़ा क्राउड वाला एरिया होगा तो उसमें अच्छा धंधा होता है। अच्छा धंधा होता है, बराबर। सर अभी जैसे आपने एक्सपीरियंस लिया है, जैसा हमारे देश का लड़का अगर कोई थोड़ा सीख के ये बिजनेस करना चाहता है तो जैसा थोड़ी बहुत जानकारी लेने के लिए दुकान के बारे में, बिजनेस के बारे में, सर कितने दिन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए उसके लिए? एक्सपीरियंस उसको कम से कम 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मतलब अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका पूरा का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। कस्टमर ने आकर 1-2 सवाल पूछे तो मेरे को उसमें झिझक नहीं आनी चाहिए, ये कैसा है, ये धंधा सर्विस का धंधा है, सर्विस का धंधा। मैं अगर एक बार बेच लूँ उसके बाद मेरा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि ये इसका वारंटी रहता है, 4-5 साल का वारंटी रहता है। तो एक बार मैंने बेचा तो 4-5 साल उसको सर्विस देना पड़ता है। अगर खराब भी हो गई तो क्यों खराब होती है उसका पता भी होना चाहिए अपने आपको। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उसमें खुद काम करोगे। सर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सर जैसे बैटरी के सैंपल्स और ये रखने के लिए लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? अगर आप शॉप डालना चाहते हो बैटरी का, बैटरी क्या रहती है, बैटरी एक हाई कॉस्टली प्रोडक्ट है। बराबर, मतलब उसका 2-व्हीलर का बैटरी 1000 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में 5000, 6000, 10000, 20000, 25, 30, 35, 50000 तक बैटरी आती है। पहले तो इतना बड़ा नहीं सोचते, छोटे बैटरी वगैरह 2-व्हीलर 4-व्हीलर और जो घर में लगाते हैं इन्वर्टर, वो अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आपको मतलब मटेरियल लेना है, तो आपको कम से कम 4-5 लाख का मटेरियल लगेगा आपको। सर अभी हम देखते हैं जैसे सभी लोगों के पास खुद की दुकानें होती है, नहीं होती है, तो सर जैसे लोग किराए की दुकान लेके ही बिजनेस करते हैं, तो अगर नया बिजनेस करना चाहता है तो लगभग सर कितना किराया उसका होना चाहिए? किराया सर देखिए अगर आपके लोकेशन पे भी डिपेंड है। बराबर, अगर आपने थोड़ा सा कम क्राउड वाला लोकेशन ढूंढा तो आपको 7-8 हज़ार में भी मिल सकता है। अगर ज़्यादा क्राउड वाला रहेगा 18-20 हज़ार तक भी रेंट लगता है। रेंट लगता है, तो सर अच्छा लोकेशन रहेगा तो 18-20 हज़ार भी रेंट देना पड़ेगा। अगर आप कमाना चाहते हो, अगर आपका लोकेशन में अच्छा चाहते हो, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। और सर जैसे ये बैटरी का बिजनेस अगर कोई नया करना चाहता है तो क्या सिर्फ एक आदमी कर सकता है या कोई हेल्पर या काम कर? नहीं, एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा रहता है, सॉरी, अगर मैं बैटरी अभी बेच रहा हूँ, इधर कस्टमर इधर आते हैं तो इधर मैं बेच सकता हूँ, इधर बाहर बिठा सकता हूँ दुकान के बाहर। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, 4-व्हीलर धक्का मार के नहीं ला सकते। सही, हाँ, तो 4-व्हीलर वहाँ जगह पे जाके आपको फिट करना पड़ता है। हाँ, तो इधर दुकान में एक कोई तो बैठना चाहिए और एक वर्कर लगता है जो बाहर के काम कर सकते, मतलब कम से कम 2 आदमी तो चाहिए। तो सर जैसे आपने बताया अलग अलग वैरायटी बैटरी के बारे में, तो सर जैसे अगर इसका बैटरी का माल अगर जल्दी थोड़े दिन बिकता नहीं है तो क्या सर ये खराब होता है या फिर ये बदल के मिलता है? अगर बैटरी का सर एक तो ऐसा रहता है कि अभी जो फिलहाल जो कंडीशन है, बैटरी ज़्यादा रखना पड़ता नहीं है। अच्छा, रखना पड़ता नहीं, क्योंकि अगर बैटरी मेरे पास आई ना तो 1 महीने भर के अंदर ही, मतलब 1 महीने भर भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, चली जाती है मेरे से, चली जाती है। मैं कस्टमर लेके जाते हैं या फिर गैरेज वाले लेके जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा रहता नहीं। अगर एक का दूसरा पीस रह भी जाए तो खराब नहीं होता, उसकी सिर्फ कभी कभी अगर ठंड का मौसम फिलहाल जो चल रहा है वैसा जब अगर मौसम रहा तो 1-4 महीने में वो उसका चार्जिंग थोड़ा उतर जाता है। अच्छा। आप चार्जिंग करके भी वो फिर से बेच सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो आउट ऑफ डेट हो गई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत पुरानी हो गई है, मतलब 1 साल हो गया उसको, या फिर आप कंपनी से बदल के भी ले सकते हो। अच्छा, कंपनी से बदल के ले सकते हैं। अच्छा, तो उसका कंपनी पैसा काटती है अगर? नहीं 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 नहीं, वो रिप्लेस करके ही दे देती है। रिप्लेस करके देती है। यस। तो जैसे अगर स्टॉक भी करते हैं तो ऐसा दुकानदार का नुकसान नहीं होने का कुछ चांस? ये जैसे आपके ये दुकान में आपने ये चार्जिंग वगैरह करना है तो वो भी सब चार्जिंग का? सर मैं आप अगर धंधा मतलब करना चाहते हो तो चार्जिंग का एक आपको सपोर्ट रहता है। बराबर। हाँ, चार्जिंग का क्या रहता है, आप बैटरी यहाँ पे भी कस्टमर दुकान पे भी आते हैं, चार्जिंग लगा सकते हैं। 2-व्हीलर के बैटरी के लिए 4 घंटे चार्जिंग करना पड़ता है और 4-व्हीलर के बैटरी के लिए 8-12 घंटे कम से कम चार्जिंग करना पड़ता है। तो अगर आपने लगा दिया तो उसमें कमाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपका इन्वेस्ट क्या रहता है, सिर्फ आपका जाता है लाइट बिल जाता है, तो चार्जिंग में आपको मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी बैटरी भी दिन में कभी कभी बेची नहीं, आपका कस्टमर नहीं आया बैटरी के लिए, तो चार्जिंग में आपका रूटीन चलता रहता है। और कभी कभी हम लोग अभी जंप स्टार्ट बोलते हैं उसको, अगर 4-व्हीलर गाड़ी बंद पड़ गई तो उसको जगह पे जाके भी स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके तो आपको सिर्फ
पेट्रोल के पैसे, अगर नज़दीक का एरिया रहे तो ज़्यादा पेट्रोल भी जाता नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको मुनाफा उसमें ज़्यादा है, खर्चा जो भी है वो आपका उसमें निकल जाता है। तो ये चार्जिंग करने के लिए एक अपने जो दुकान में बैटरी है उसी से वो चार्जिंग किया जाता है? नहीं, चार्जिंग के लिए चार्जर आता है। चार्जर आता है, अच्छा। हाँ, फोर व्हीलर का अलग चार्जर आता है, टू व्हीलर का अलग चार्जर आता है, उसमें दो बैटरी का चार्जर भी अलग आता है। अच्छा। चार बैटरी एट ए टाइम कर सकते हैं, छह बैटरी एट ए टाइम कर सकते हैं, जितना आपका जिसके हिसाब से आपका धंधा है उसके हिसाब से आप मशीन ले सकते हो। और उसका लगभग कितना खर्चा आता है वो चार्जर? उसका चार्जर कम से कम, एक टू व्हीलर का चार्जर एक 3,000-3,500 के स्टार्ट है, और फोर व्हीलर का चार्जर एक 12,000 से कम स्टार्ट है। मतलब ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है? इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सर, बैटरी के बिजनेस में ये जो बैटरी होती है कंपनी की या फिर नॉन ब्रांडेड, सर इसमें लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है? बैटरी में एक 25-30% मार्जिन रहता है। अच्छा, 25-30 हर एक बैटरी में, आगे तक चाहे तो 40% भी है। मतलब अपना जो इन्वर्टर बैटरी है उसमें 40% तक मार्जिन है। हाँ। तो उसमें हम लोग कमा सकते हैं, मतलब अपना जो जो परचेस रेट है और एमआरपी रेट उसमें एक 40% का रहता है। उसमें आपके हिसाब से आप, मतलब आपको 10% कमाना है, 20% कमाना है, 30% कमाना है, आप कमा सकते हो उसमें। बराबर। और जो अपने को जो कस्टमर जो आते हैं, क्या हमें इनको, जैसे मैकेनिक वगैरह आते हैं अगर, तो क्या हमको इनको उधर ही देनी पड़ती है इसमें? हाँ, वो अभी कभी कभी क्या पड़ता है, अभी मैकेनिक लोग रखते हैं अपने गैरेज वाले, तो गैरेज वाले हर बार तो कैश पे लेके जाते नहीं है, या फिर कोई नज़दीक का अपना कस्टमर आ गए जो पहचान वाले हैं, तो वो कभी कभी उनको ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलेशन हमारे रहते हैं, तो उनको कभी कभी मतलब देना पड़ता है। अभी गैरेज वाले रहते हैं वो एक बैटरी लेके तो अपने से जाने जाएंगे नहीं, वो आज एक लेंगे, कल एक लेंगे, 2-3 दिन बाद लेंगे, मतलब वो कंटिन्यू रहते हैं। अगर पहली बार आपने उसको ना बोल दिया तो वो बाद में आपके पास आएंगे नहीं, तो वो अगला जब लेंगे तो पहला बैलेंस क्लियर कर देंगे, तो अगला जो है वो बैलेंस में लेके जाएंगे, ऐसा चलता रहता है। फिर बाद में चलता रहता है। तो सर, क्या इस बिजनेस में बड़े ग्राहक जो होते हैं ये गैरेज वाले ही होते हैं, मतलब या साधारण आम इंसान, आम लोग भी होते हैं? नहीं, गैरेज वाले भी रहते हैं, गैरेज वाले भी मतलब कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए वो पड़े रहता है। तो सर, जैसे कोई ये नया बिजनेस करता है तो क्या अलग अलग मैकेनिक से हमको कनेक्शन करना जरूरी है? जब हम लोग ये नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखते हैं तो पहले अपने एरिया का सर्वे करो, मतलब एक कितने गैरेज हैं, वो कहाँ से बैटरी लेते हैं, कितने रेट में लेते रहते हैं, उसका एक थोड़ी सी जानकारी ले लो, मतलब उससे कम में आप दोगे तो ही वो आपसे लेंगे। तो इसलिए पहले उनकी पूरी जानकारी ले लो, कितने गैरेज है, क्या है आसपास में एरिया में बैटरी शॉप है या नहीं, उसकी पहले जानकारी लो। सर, अभी हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह चलती है, क्यों तो क्या सर, जैसा कई सारे बिजनेस पे ऐसा इफेक्ट हुआ है, तो क्या बैटरी के बिजनेस में भी ऑनलाइन की वजह से फर्क पड़ा है, नुकसान? अभी कस्टमर आते हैं, सर ऑनलाइन इतने इतने में मिल रहा है और आप ज़्यादा बता रहे हो, तो मैं उनको बोलता हूँ सर ऑनलाइन में आपको सर्विस नहीं मिलेगी, ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा, वन टाइम आपको मिल जाएगा वो, लेकिन जो मैं सर्विस दे सकता हूँ, अगर आपने कॉल किया तो कि मैं 10 मिनट में आऊँगा या 15 मिनट में आऊँगा, आधे घंटे में आऊँगा, आपको सर्विस तुरंत दे सकता हूँ, लेकिन आपने ऑनलाइन अगर परचेस किया तो आपको पे सस्ता मिलेगा, मिल जाएगा, अभी इन्वर्टर है जो मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में आप सर्विस कहाँ से लोगे? सर, बैटरी के बिजनेस में क्या कोई ऑफ सीजन वगैरह रहता है? ऑफ सीजन एक बारिश में, लेकिन क्या होता है कि बारिश के टाइम पे ऑफ सीजन रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर बाहर निकलते नहीं है बारिश की वजह से। अगर आप समर देखोगे, लाइट अगर चली गई तो आपके पंखे की आपको ज़रूरत लगेगी, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी में लोड शेडिंग भी ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से इन्वर्टर का वो सीज़न रहता है। सीजन रहता है, एक मार्च, अप्रैल, मई, जून, चार महीने जो रहते हैं वो सीज़न रहता है हमारा, उसके बाद में थोड़ा सा एक ऑफ सीजन रहता है, एक 3-4 महीने के लिए। सर, जैसे हमने बात की किराए के बारे में, अगर सर कोई एक किराए का दुकान लेता है, लगभग 15,000 रुपये उसका रेंट है, तो सर जैसे दुकान का खर्चा निकालने के लिए लगभग कितना सेल होना चाहिए इसमें? दुकान का खर्चा निकालने के लिए मतलब आपका दिन में कम से कम एक 2-3 हज़ार का सेल होना चाहिए। बराबर। 2-3 हज़ार का आपने सेल निकाल दिया तो आपका 1,000 रुपये आपका
मतलब फायदा होगा उसमें, तो 1000 रुपए में आप खर्चा निकाल सकते हैं, दिन का जो भी आपका खर्चा, मतलब लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, आपका पेट्रोल का हो गया। सर हमारे देश का लड़का अगर नया बैटरी का बिजनेस करना चाहता है और उसको सफल होना है, इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सर कैसे काम करना चाहिए ताकि वो इसमें सफल हो जाए? सफल होने के लिए पहली बात तो कोई भी आप धंधा डालो तो उसमें एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। मतलब आज अगर मेरा 8 दिन धंधा नहीं चल रहा तो मायूस होके मैं दूसरे विचार नहीं करना चाहिए, मैं ये धंधा ये कैसे बढ़ा सकता हूँ, या फिर मेरे पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, यह अगर बात मैंने सोची तो मैं धंधा आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आपने एक माउथ पब्लिसिटी रह गई, मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत कम पढ़ रहे हो, तो उससे उस पर विचार करना चाहिए कि आप मार्केटिंग कैसे और कर सकते हो। मार्केटिंग के भी बहुत रास्ते हैं, तो अगर आपने सर्विस अच्छी दी, कस्टमर को आप कैसे हैंडल करते हो, कस्टमर को अगर आपने रूडली हैंडल किया तो कस्टमर एक बार आपसे लेके जाएगा लेकिन वो वापस नहीं आएगा आपके पास। अगर आप धंधे में टिकना चाहते हो तो कस्टमर कैसे हैंडल करना चाहते हो ये है, और अगर आप दुकान आप कैसे मेंटेन रखते हो, कस्टमर कभी जाने दो, आपको बैठने के लिए थोड़ा मतलब आपको ऐसा बोर नहीं होना चाहिए कि मैं बैठा हूँ कस्टमर नहीं आया तो मैं बोर हो गया हूँ दुकान बंद करके चला जाता हूँ, ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको भी। आप अगर आप दुकान में आए तो फ्रेश लगना चाहिए, इसलिए जो भी आप मटेरियल लगा रहे हो वो एक ठीक ठाक से लगना चाहिए, दुकान में साफ सफाई वैसे होना चाहिए। एक कस्टमर अगर अंदर आ जाए तो वो एक थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है कि बाबा गाड़ी चोरी नहीं हो रही है, बैटरी खराब हो गई है, तो बैटरी बिठाना है, कितने में आएगी क्या नहीं है, वो दिमाग में उसके चलता रहता है। तो उसको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने के लिए दुकान का माहौल भी वैसा होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सर अगर कोई ये बिजनेस करता है उसका अच्छा चलता है तो सर लगभग इसमें लोग कितना पैसा कमा रहे हैं या फिर कितना पैसा इसमें मिल सकता है? इसमें इन्वेस्ट आप करोगे एक बार, बाद में आपके खर्चा कुछ भी नहीं है, मतलब तो उसमें से ही आप बैटरियाँ खरीदते जाओगे, और बोला आपको 30-40% उसमें मार्जिन है, तो 30-40% आपका बाजू में रहता है, और जो आपने पहले इन्वेस्ट किया है 4-5 लाख उसी में आप मटेरियल रोटेट करते रहोगे, बाकी का आपका पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर वो आप जो बैटरी बिठा रहे हो तो बैटरी के जो बायबैक करके जो पुरानी बैटरी आती है वो स्क्रैप का माल आता है, वो भी किलो के भाव से जाता है, किलो के भाव से बेचा जाता है, मतलब कोई भी आपका ऐसा नहीं कि ये खराब हो गया तो चलेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो खराब को भी आपको पैसा देके जाता है, और जो पुरानी बैटरी है वो किलो से हिसाब से आप भाव में ले सकते हो। पुराना जो लेते उसमें पुराने में अभी हर एक एरिया में अलग अलग किलो के भाव है, 70-75-80 रुपया किलो के हिसाब से। अच्छा। अगर एक बैटरी है, छोटी बैटरी भी रही 2-व्हीलर की, वो 1-1.5 किलो के आगे से ही रहती है, 4-व्हीलर की बैटरी रही तो 10-12 किलो रहती है, इन्वर्टर की बैटरी मैंने आपको बोला वो 60-70 किलो की भी रहती है। अगर आप 60-70 को गुना कर देते हो एक 75-80 रुपए को तो फिर वो तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। बराबर, और कस्टमर को वैसे तो उतना कस्टमर के किलो से बेचते नहीं है, वो तो लमसम अमाउंट में दे देते हैं उसमें। बराबर, तो सर जैसा अगर बिजनेस सेट हुआ तो लगभग 1 लाख रुपए मिल सकता है महीने में आराम से? एक बार अगर बिजनेस सेट हो गया, 1-1.5 साल गया, तो आप महीने में प्रॉफिट आपका 1-1.5 लाख आपका आराम से निकल, मतलब खर्चा वगैरह सब निकाल के, दुकान का भाड़ा वगैरह भी निकाल के आप 1 लाख कमा सकते हो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले सर के लिए थैंक्स कीजिए, सर ने इतनी डिटेल में आपको जानकारी दी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पर वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।